डिटरमिनर सब पढ़ चुके हैं। अब डिटरमिनर का ये फोर्थ पार्ट है, इसमें एक्सरसाइज है। यहाँ पर दो दो दिए हुए हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, चेस्टनट ट्री मतलब किसी चीज़ का पेड़ है। द विले द और मैनी विलेज स्मिथी स्टैंड, तो इसमें देखिए हाँ मैन विलेजेज होता तो मैनी आता, मैनी मतलब बहुत सारे, तो स्मिथी एक विलेज का नाम है तो स्मिथी से पहले क्या आएगा द, द स्मिथ। अब इसमें स्मिथी तो विलेज का नाम था। द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही, वो एक बहुत शक्तिशाली आदमी है। माइटी का मतलब होता है पावरफुल, उसका नाम क्या है स्मिथ। विद लार्ज एंड स्नीवी हैंड्स, उसके बड़े और स्नीवी मतलब मजबूत हाथ हैं। एंड द मसल्स ऑफ ब्राउनी आर्म्स, तो द आएगा या हिज आएगा, आदमी है तो उसके लिए क्या आएगा हिज। आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स, हिज हेयर इज क्रिप्स। कभी इस बात से आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, सब लोग लर्न करेंगे, आप भी लिखिए, हेयर को कभी हेयर्स नहीं लिखते, हेयर्स रॉन्ग होता है, हेयर को हेयर्स नहीं लिखते कभी, एच ए आई आर एस हेयर्स नहीं लिखते, हेयर लिखते हैं। जैसे बहुत सारे बाल होते हैं तो इसने कहा हिज हेयर इज क्रिस्प, उसका बाल क्रिस्प है। हम ये भी लिख सकते थे हिज हेयर आर क्रिस्प, तो हेयर के आगे ही आर लगा सकते थे, हिज हेयर आर लगाते तो उसके सारे बालों की बात होती है। हेयर का मतलब यहाँ पे एक दो बाल की बात हो रही है। क्रिस्प एंड ब्लैक, क्रिस्प मतलब मुड़े मुड़े से हैं और काले हैं एंड लॉन्ग हैं। ये वैसे सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, यहाँ पे आर आना चाहिए था कि उसके बाल जो हैं क्रिस्प हैं, ब्लैक हैं और लॉन्ग हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, टैन कल मैंने बताया था, टी ई एन टैन टैन होता है, और टी एन टैन मतलब धूप में काला हो जाना, उसका जो चेहरा है वो धूप में काला हो गया है। हिज ब्रो इज वेट, ब्रो मतलब आईब्रो, वो भीगी है। विद ऑनेस्ट स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, मतलब उसने परिश्रम किया है, हार्डवर्क किया है, तो इससे उसका जो आईब्रो है उस पर पसीना आ गया है। ही अर्न्स वॉट एवर ही कैन, जितना वो कर सकता है उतना पैसा वो कमाता है, अर्न मीन्स कमाना। एंड लुक्स द होल हाफ वर्ल्ड इन द फेस, और उसे क्या दिखता है, पूरा संसार या आधा संसार उसके चेहरे में, जो मेहनत की कमाई करता है। तो होल मीन्स पूरा, देखिए दो होल होते हैं, एक डब्ल्यू एच ओ एल ई होल मीन्स पूरा, और एक होगा एच ओ एल ई उस होल मीन्स छेद। फॉर हिज ऑज नॉट ईदर एनी मैन, उसका कोई भी ऑज मतलब मालिक, तो एनी मैन कोई भी उसका मालिक नहीं है, अपना काम खुद कर रहा है तो अपना मालिक खुद है। थैंक्स थैंक्स टू दी, दी मतलब तुम्हें, इंग्लिश में यू तुम्हारा या तुम, और दी मीन्स तुम्हें, तुझे भी कहते हैं, और टी एच ओ यू दाऊ मीन्स होता है तू। तो थैंक्स थैंक्स टू दी, तुम्हें धन्यवाद है। माय वर्दी फ्रेंड, अब तुम बोल रहे हो ना, तो तुम अपने लिए क्या कहोगे, माय वर्दी फ्रेंड, वर्दी मतलब योग्य दोस्त, एबल फ्रेंड, योर थोड़ी कहोगे, तुम्हारा थोड़ी बोलोगे। फॉर द लेसन दाऊ हास्ट टॉट, दाऊ मतलब तू, इस पाठ से तू ये सीखता है, टॉट मतलब तुझे सिखाया जाता है। दस एट द फ्लेमिंग फॉर्ज ऑफ लाइफ, कि जीवन में जब परेशानियां आ रही हैं, बोथ और अवर फॉर्च्यून्स मस्ट बी रॉट, उस समय हमारे जो भाग्य है वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, अवर फॉर्च्यून्स, बोथ नहीं आएगा, दो जो दो चीज़ थोड़ी हैं, फॉर्च्यून भाग्य, बोथ मीन्स होता है दोनों, तो दो चीज़ होती हैं तो बोथ आता। दस ऑन इट्स हेज साउंडिंग एनविल शेप, तो ये फॉर्च्यून की बात कर रहा है, फॉर्च्यून कोई आदमी तो है नहीं, फॉर्च्यून तो भाग्य है, तो जो चीज़ जिंदा नहीं है उसके लिए क्या आएगा, इट्स बर्निंग डीड एंड डॉट, तो यहाँ पे सेवरल आता तो डीड्स आता, डीड्स मतलब काम, प्लूरल के साथ सेवरल आता है, सेवरल होता है मैनी, तो ईच, ये आपका हो गया, समझ में आया कुछ। आपको इसमें इसी तरह से फिल करना है, जैसे ये वाला है, अब ये दिया है तो इसमें कहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद ईधर, इधर का मतलब होता है या तो ये, बोथ मीन्स दोनों, ईच हर एक के लिए आता है, एवरी मैनी अदर अनदर एनी, ये सबके यूज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं। तो इसने कहा है कि डे मैनी स्पीशीज अराउंड द प्लैनेट आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, तो एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो रही हैं, जैसे आज की तारीख में आपको डायनासोर नहीं दिख रहे ना, तो डायनासोर क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। अब ये है मृणालिनी एंड संतोष लव टू स्विम,
तो मृणाली और संतोष दोनों को तैरना पसंद है, तो दोनों के लिए क्या बताया मैंने, बोथ। बोलो नहीं आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ बोलना है आपको। आई हैव कोर्स, कोर्स का मतलब वर्क, टू कंप्लीट टुडे, मेरे पास बहुत काम है फिनिश करने के लिए, तो क्या आएगा, मैनी कोर्स है ना। हाँ ऐसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ, खुद बोलना है। जागृति गोज फॉर अ वॉक मॉर्निंग, जागृति सुबह में घूमने जाती है, तो एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब डेली। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, डू यू हैव क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें एनी लगता है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन है। मे आई हैव बाउल ऑफ हलवा, तो इसमें, तो इसमें क्या आएगा, देखिए अनदर बाउल ऑफ हलवा, अनदर का मतलब अनदर नहीं, सॉरी, मे आई हैव अदर बाउल ऑफ हलवा, अदर होता है इन एडिशन, मतलब एक पहले खा चुका वो, उसको दूसरा चाहिए, एक के बाद जब दूसरा चाहिए तो अदर आता है। और अनदर क्या होता कि जैसे अगर तुम्हारे पास ये वाला हलवा ले लो और मुझे दूसरा हलवा दे दो, तो जब किसी चीज़ को आपस में अदलना बदलना हो तो अनदर, और अदर मतलब एडिशन में, जैसे एक प्लेट हलवा खा लिया तभी तो उसने कहा मे आई हैव अदर बाउल ऑफ हलवा, क्या मैं दूसरा बाउल हलवा का ले सकता हूँ। हाइज हाउस हैज इट्स ऑन पार्किंग, हर हाउस की अपनी पार्किंग है, तो क्या होगा, ईच हाउस, ईच हाउस, ईच मतलब प्रत्येक। फ्रेंड्स वांटेड टू वॉच द सेम फिल्म, फ्रेंड्स लिखा है प्लूरल है, हाँ बोथ फ्रेंड्स आ सकता है, मैनी आ सकता है इसमें, फ्री आप, मैनी फ्रेंड्स का मतलब सारे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त देखना चाहते थे, बोथ फ्रेंड्स मतलब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ देखना चाहते थे, ये कुछ भी आ सकता है इसमें। वेयर इज़ द रैकेट हेटल गेव यू, तुम्हें रैकेट हेटल कहाँ पे दिया गया, क्या आएगा इसमें बताओ, अनदर आएगा, अनदर मतलब दूसरा। देयर इज रैकेट हेटल, ये कोई चीज़ का नाम है इसमें, रैकेट तो वो खेलने वाला होगा, हेटल गेव यू, तो वेयर इज़ द अनदर रैकेट हेटल गेव यू, हेटल नाम है कोई, हेटल ने तुम्हें दूसरा रैकेट कहाँ दिया। देयर इजंट जूस इन द फ्रिज, जूस में, अब फ्रिज में कोई भी जूस नहीं है, इजंट आया ना नॉट वालों के साथ एनी। यू कैन पार्क ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ईदर मतलब दोनों तरफ गली के, तुम दोनों तरफ कहीं भी अपनी कार पार्क कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ इज ऑफ 5 मार्क्स, तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है।